इसराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर ईरान को लेकर है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए बड़ा हमला किया है। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि उसने बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल को निशाना बनाया है। पाकिस्तान पर अटैक के बाद इस हमले की जानकारी खुद ईरान की तरफ से पूरी दुनिया को दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जब ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन के ऊपर बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह आतंकी संगठन सक्रिय था और बताया यही जा रहा है कि बॉर्डर के रास्ते से इसके पहले ईरान के ऊपर हमला भी किया गया था आतंकी संगठन जैश अल अदल की तरफ से। ईरान के हमले से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। साथ ही हमले को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। तो पाकिस्तान बौखला चुका है। पहले ईरान ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि वो आतंकी संगठनों पर लगाम लगाए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। दरअसल जिस आतंकी संगठन के ठिकानों पर हमला किया है उसने ईरान की सीमाओं पर हमला किया था, और पिछले महीने जो आतंकी घटना हुई थी ईरान में उसमें पुलिस वाले मारे गए थे। इसी का बदला ईरान ने पाकिस्तान से लिया है। और पाकिस्तान के साथ ईरान के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अचानक आखिर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया, हमले की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, वो सब आपको बताते हैं। देखिए, असल में पिछले साल दिसंबर के महीने में ईरान से सरहदी इलाकों में पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। इसमें ईरान की बॉर्डर पुलिस को निशाना बनाया गया था और इसी हमले को लेकर पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। मतलब हमला किया भी और फिर उसकी जिम्मेदारी भी ली, और इसी हमले में आतंकी संगठन ने ईरान की सीमा के अंदर बमबारी और किडनैपिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। और तब से ही ईरान इस फिराक में था कि कैसे पाकिस्तान को मजा चखाया जाए। देखिए, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल खास तौर से बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बहुत एक्टिव है, और ये पाकिस्तान का सुन्नी आतंकी संगठन है जो कि ईरान से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है। ईरान एक शिया बहुल देश है, यह आतंकी संगठन सुन्नियों का समर्थन करता है, और अब जाकर ईरान ने वो जो पुराना हमला किया था उसी का करारा जवाब ये दिया है पाकिस्तान को। अब ईरान की सेना ने आतंकी संगठन पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी पैरामिलिट्री ने बलूचिस्तान प्रांत में मिसाइल और ड्रोन के जरिए यह स्ट्राइक की है। और इसराइल युद्ध के बीच ईरान बेहद एक्टिव हो चुका है। एक दिन पहले ईरान ने ऐलान किया कि उसने इराक में मौजूद इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले को अंजाम दिया। इसके साथ ही ईरान ने सीरिया में आईएस यानी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर भी हमले का दावा किया, और अब ईरान ने पाकिस्तान पर बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये तीनों घटनाओं एक बड़े संकेत दे रही है, खतरे का संकेत दे रही है, क्योंकि मध्य एशिया में पहले से ही इसराइल युद्ध की वजह से तनाव गहराया हुआ है। और पिछले दो दिन के भीतर ईरान ने तीन बड़े कदम उठाए हैं जो इलाके में तनाव को और गहरा सकता है। क्या क्या कदम उठाए गए हैं ईरान के द्वारा ये बताते हैं। मंगलवार को ईरान ने, अब देखिए, मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। इराक में मोसाद के हेडक्वार्टर पर ये हमला किया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में पहले से ही टेंशन है, ऊपर से ईरान का ये कदम। ईरान ने सीरिया में आईएस के ठिकानों पर मिसाइल अटैक का दावा भी किया है। तो ईरान ने अभी तक क्या क्या किया है ये हम आपको बता रहे हैं। मंगलवार रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान ने एयर स्ट्राइक की है, और ये कहा है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया गया था, बाकायदा ईरान की तरफ से ही ये जानकारी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ये ईरान ने ट्रिपल अटैक किया है इससे टेंशन बढ़ चुकी है। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता संदीप बोल फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है ईरान ने, पहले अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को लेकिन नहीं माना पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान कभी भी इस तरीके की चीजों को मानता भी नहीं है। वो तो ये भी नहीं कहता है कि उसके यहाँ पे आतंकी संगठन अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं, और ये ही वजह है कि हमेशा वो कन्नी काट जाता है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया में, उसमें ये पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि जो अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से, जो उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल, जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स कह रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए अटैक किए हैं, उसमें सिर्फ दो बच्चे और तीन लड़कियां घायल हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर इस तरीके का अटैक प्लान करता है कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के आतंकी संगठनों के ऊपर, जाहिर सी बात है कि पिन पॉइंट टारगेट के हिसाब से ही अटैक किया जाता है ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। और जैसे कि ईरान ने इस
बात का दावा किया है कि उन्होंने दो अलग अलग ठिकानों पे बम बरसाए हैं, उसमें सिर्फ अगर इतने ही लोग मारे जाते हैं या इतने ही हताहत होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान कुछ बड़ी चीज छुपा रहा है। और यही वजह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो टेंशन लगातार बनी हुई है वो अब एक बार फिर से, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं और ऐसे में अगर ये एस्केलेशन होता है, या क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ईरान से लगता है और जो हिस्सा ईरान से लगता है पाकिस्तान का पूरा बलूचिस्तान है, तो ऐसे में यहाँ पे अगर बलूच विद्रोही या जो आतंकी संगठन है वो इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं तो पाकिस्तान भी उसको सपोर्ट खुलेआम नहीं कर सकता। लिहाजा इस तरीके से एक विक्टिम प्ले पाकिस्तान कर रहा है। जी, विक्टिम प्ले किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पूरी दुनिया को ये पता है संदीप कि कैसे पाकिस्तान हमेशा ही आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और अब ईरान की तरफ से ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के आतंकी संगठन पर।